अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को चेतना तिराहे पर कैंडल जलाकर अलीगढ़ के ट्विंकल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मासूम बच्चे के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक नवनीत शर्मा ने कहा, ट्विंकल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत माता के जय, वंदे मातरम, भारत राम मातरम, वंदे मातरम, ट्विंकल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नवनीत शर्मा, विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद। भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी जो 2 जून को जो ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ की मासूम बच्ची है 3 साल की, उसको उसके साथ जो कुकृत्य अपराधियों ने किया है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। साथ ही विद्यार्थी परिषद ये सरकार से मांग भी की है अपने ज्ञापन के माध्यम से कि जो नाबालिगों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएँ लगातार प्रदेश में हो रही हैं उसको लेकर एक कड़ा कानून बनाए। कड़ा कानून का मतलब फांसी की सज़ा से कम कोई इसका कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं को तभी रोका जा सकेगा जब उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी और एक कड़ा संदेश उन दोषियों को मिलेगा ताकि वो आगे इस प्रकार की घटनाओं को करने से पहले 1000 बार सोचें कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं संभव हैं, हो सकती हैं।